दिस मनोज शर्मा, यू आर वॉचिंग डेंजर कलर गेमिंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो भाई ये है हमारी रोड टू मैक्स सीरीज ऑफ TH9। तो जैसा कि मैंने कहा भाई, हॉग राइडर अपग्रेड हमारा हो चुका है और हम जाइंट को अपग्रेडिंग पर लगाने वाले थे, लेकिन अब हम हेल्थ हील स्पेल को लगाने वाले हैं, क्योंकि भाई हमको गो हॉग में हील स्पेल ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगी ना कि जाइंट्स। और भाई हमारे पास काफ़ी सारे डार्क हैं, लेकिन इतने नहीं कि हम क्वीन को अपग्रेड कर सकें। तो एक बार फटाफट से ये रिवॉर्ड्स देखते हैं इनमें क्या पड़ा है। भाई 10,000 डार्क मिलेंगे, 10,00,000 एक्जिलर, भाई 5,00,000 एक्जिलर और हैं। तो देखो भाई, एक्जिलर का हमारे पास ज़्यादा कुछ काम है नहीं, इनको अपग्रेडिंग पर लगा देते हैं। ओके, तो अब रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेंगे अपने, क्लेम करेंगे। ओके गाइस, अब देखते हैं हम एक और को लगाए, अभी नहीं लगा सकते। एक और रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेंगे हम 10,00,000 वाला। अब इसको अपग्रेडिंग पे लगा दें, ओनली 5,00,000 बचेंगे। और भाई हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है देखते हैं। हमारी को आर्मी कॉस्ट है 2,77,000। तो भाई हम अभी नहीं लगाएंगे, हम बाद में लगाएंगे। और भाई डार्क पड़े हैं कुछ, इन डार्क को हम कलेक्ट कर लें, ठीक है, फिर हम अपनी आर्चर क्वीन को अपग्रेडिंग पर लगा पाएंगे। ओके, लेकिन अभी हम नहीं लगाएंगे, हमको थोड़ा सा वेट कर, चलो थोड़े से इनको हील कर लेते हैं जेम्स से, सॉरी, और एक अटैक कर लेते हैं। वॉर में हमारा एक अटैक बचा है। तो भाई आर्मी रेडी है, लेकिन भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस क्लेन में मेरे को खास कुछ डोनेशन मिलती ही नहीं है, तो हम डोनेशन के लिए तो रुकेंगे नहीं और अटैक करेंगे। एक बार फटाफट से देख लेते कि भाई इस बेस पे किस तरफ से, किस हिसाब से हमको अटैक करना चाहिए। तो तो भाई अभी हमारे एयर स्वीपर हैं ये दोनों, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो हम इस वाली साइड से अटैक करेंगे। अगर हम करेंगे 12 o'clock से तो भाई ये वाला है, और 6 o'clock से ये वाला पड़ेगा। लेकिन भाई 3 o'clock से एकदम सही हम अटैक कर पाएंगे, और इधर से थोड़ा क्या हुआ है, ओ सॉरी, हो गए भाई। और इस तरफ हम क्वीन से फनल बना लेंगे, जैसे कि भाई हमारी एनिमी क्वीन भी हम निकाल लेंगे। इस तरफ से किंग से बनाएंगे, और भाई इस तरफ से हम अपना ड्रैगलाइट स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे। और ये हमारा लाइटनिंग, इधर आएगी लाइटनिंग, और चलो अटैक पर चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, एंड वी गो फॉर अटैक। ओ 1 2 3, तो 4 लगानी पड़ेंगी यार इसमें, मतलब 1 2 3 नहीं निकलेगी भाई, 4 ही लगानी पड़ेंगी। अब एक आर्चर क्वीन छोड़ेंगे हम यहाँ पे, एबिलिटी दे देंगे अब, और काफ़ी इजीली निकाल लिया। और इस तरफ से भाई किंग के संग फनल बनाते हैं, और इस तरफ से भाई ड्रैगन लाइट्स दे देते हैं भाई, इस तरफ थोड़े से ड्रैगन्स। ओके, और भाई इधर थोड़ा सपोर्ट देंगे विजार्ड का, और यहाँ पे देंगे। एबिलिटी देंगे किंग की, और अब थोड़ा आगे देंगे, और इधर फ्रीज करेंगे हम इलेक्ट्रो ड्रैगन को। भाई इधर किंग को सपोर्ट मिलेगा विजार्ड का, कोई सही जा रहा है अटैक सारे। अब ज़्यादा डिफेंसेस बची नहीं है, तो मे बी ये बेस 3 स्टार हो जाएगा। 3 4 आर्चर टावर से मेन चीज़ निकल गई है फ्रेंड्स, जो कि हमारे होते हैं एयर डिफेंस। वैसे मेरा भी लेआउट कुछ ऐसा ही है, वॉर बेस लेआउट लगभग लगभग। इधर कुछ इस तरफ कुछ 3 आर्चर टावर हैं, लेकिन थोड़े कम लेवल के हैं। और इधर एक विजार्ड टावर है, और जहाँ तक है तो ये बेस 3 स्टार हो जाएगा। काफ़ी कम डैमेज है भाई इन आर्चर टावर्स का, और इस विजार्ड टावर का भी कुछ खास डैमेज नहीं है। और इस तरफ से ये ड्रैगन निकल रहा है, मेरे को लग रहा है ये बेस शायद टाइम फेल हो जाएगा यार,
ऐसे वैसे मोस्टली टाइम फेल होते हैं, और मेरा मन कह रहा है कि भाई टाइम फेल हो सकता है ये भाई यार, ये ड्रैगन इनको क्यों छोड़ के आ गया यार, अगर इसको निकाल लेता तो टाइम फेल होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते। और भाई अगर टाइम, अगर हम इन आर्सर टावर्स को भी निकाल लेते हैं तो भाई टाइम फेल होना तो तय है भाई, टाइम फेल होना तो तय है। शिट यार, ये अटैक फेल हो गया यार, एक स्नीकी आ गया इधर, एयर बम। ओके भाई हम 3 स्टार तो कर नहीं पाएंगे, तो एंड बैटल कर देते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके भाई एंड बैटल कर देते हैं, ठीक है भाई, कोई भी ऑनलाइन नहीं है क्लैन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स जहाँ तक है तो हम लोग और जीतेंगे, आज के लिए इतना ही। और मैंने जो अटैक करा था एक TH-10 पर किया था, वो काफ़ी ज़्यादा रद्दड़ अटैक था, तो उसको तो मैं दिखाऊंगा नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।